Hi guys, myself Aditya and this is my YouTube channel MathLogic. So friends, आज मैं आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ. इसका नाम है बटन कैमरा, अ स्पाई बटन कैमरा. इसकी मॉडल का नाम है HY900. सो एक ये एक स्पाई कैमरा है इन द फॉर्म ऑफ बटन. बटन की शेप का एक स्पाई कैमरा है एंड इसके अंदर आपको 32 GB की इनबिल्ट मेमोरी मिल जाएगी. सो आप जो बाकी के स्पाई कैमरेज होते हैं, आपको किसी हर एक मतलब मैक्सिमम स्पाई कैमरेज में आपको बाहर से मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना होता है, बट इसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी है 32 GB की. सो आपको इस कैमरे में कोई बाहर से मेमोरी कार्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये नॉर्मली इसके अंदर 32 GB की इनबिल्ट मेमोरी है. मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि स्पाई कैमरा होता क्या है. अ स्पाई कैमरा इज अ वीडियो कैमरा यूज टू रिकॉर्ड पीपल विदाउट देयर नॉलेज. मीन्स सामने वाले पीपल को पता ना हो कि आप उसकी वीडियो बना रहे हैं. तो इस टाइप जिस कैमरे का आप यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं स्पाई कैमरा. एंड स्पाई कैमरा यूज़ करना लीगल है क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है. तो मैं इसकी आपको वर्किंग बताता हूँ. पहले इसका वीडियो रिजोल्यूशन है 650x480. यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है हम लोगों ने, इस बॉक्स के ऊपर भी मेंशन है 640x480 का रिजोल्यूशन है इसका. एंड .avi फॉर्मेट में ये वीडियो बनाता है. अगेन इसमें आपको वीडियो के साथ आप फोटो भी, दो फंक्शन है वीडियो एंड फोटोज़ का. इसके साथ एक मैनुअल मिलेगी आपको, एक डिवाइस और एक इसके साथ आपको USB केबल मिलेगी. तीन चीज़ें आपको मिलेंगी इसके साथ. और इसको चार्ज करने का सिंपल सा फंक्शन है, इसको इस तरीके से स्लॉट में इंसर्ट करना है और नॉर्मल अपने फोन के अडेप्टर से कनेक्ट कर देना. विदिन 30 to 1 hours में ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है. आप इसको लैपटॉप के स्लॉट में भी डाल सकते हैं USB स्लॉट में, और अपने मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं. और इसकी बैटरी लाइफ अराउंड 90 मिनट्स की होती है. सिंगल चार्ज में ये 90 मिनट्स तक की रिकॉर्डिंग कर लेता है ये वाला कैमरा. सो यहाँ पे तीन बटन है. टॉप बटन है आपका ऑन ऑफ का बटन, इसी से वीडियो बनती है, इसी से फोटो क्लिक होती है. यहाँ पे आप छोटा सा होल देखोगे, यहाँ पे है रीसेट बटन. रीसेट बटन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपका कभी भी ये डिवाइस हैंग हो गया तो आपको पिन के थ्रू इस बटन को प्रेस करना है, रीसेट बटन को प्रेस करना है. तो ये दोबारा से पूरा डिवाइस रीसेट हो जाएगा, अपने नॉर्मल फंक्शन नॉर्मली फंक्शन करेगा दोबारा से. नीचे वाला आपका है आपका मोड का बटन. लेफ्ट साइड में आप इस बटन को मूव करोगे तो वीडियो बनेगी. अगर मैंने इसको राइट साइड पे कर दिया तो इससे आपकी बन जाएगी और फोटो क्लिक होगी. फोटो मोड है और एक वीडियो मोड है. इस डिवाइस से वीडियो कैसे बनती है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नीचे वाला जो मोड बटन है इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर देना, ठीक है, वीडियो मोड पर. फिर क्या करना है हमें, ये टॉप वाला बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है 2 to 3 seconds के लिए. लाइट ऑन हो गई, कुछ देर के बाद ही ब्लू लाइट आ जाएगी आपके पास. मींस आपकी वीडियो बन रही है, इस टाइम पर वीडियो आपकी बनना स्टार्ट हो गई है. आप इसको वीडियो बना के आप देख भी सकते हो, इस टाइप से वीडियो बन रही है अभी इससे. यहाँ पर वीडियो को सेव करने के लिए इसको लॉन्ग प्रेस करना है, इस बटन को दोबारा से. स्विच ऑफ हो गया ये, और ये आपका डिवाइस की जो वीडियो बनी है जिस डिवाइस के थ्रू, वो आपके इसके इसके अंदर जो इनबिल्ट मेमोरी है उसमें स्टोर हो गई है, ठीक है. एंड मैं आपको फोटो करना बताता हूँ, फोटो कैसे बनती है. इससे आपको क्या करना है, मोड स्विच को लेफ्ट साइड में मूव कर देना है इस तरीके से. फिर अगेन इसको लॉन्ग प्रेस करना है. आपके पास एक येलो लाइट आ गई है इस टाइम पे. फोटो क्लिक करने के लिए इसी बटन को एक बार शॉर्ट प्रेस करना है, एक बार दबा के छोड़ देना है. ऑफ हो गई, क्लिक हो गई, दोबारा से ऑन हो गई, एक पिक्चर आपकी क्लिक हो गई. एक और मैं करता हूं, अभी दो पिक्चर मैंने इससे क्लिक कर ली और एक वीडियो बना ली मैंने. इसको मैं अगेन क्लोज ऑफ कर देता हूँ डिवाइस को, लॉन्ग प्रेस करना ऑफ करने के लिए. डिवाइस ऑफ हो गया.
इसके साथ आपको फ्री बटन्स भी मिलते हैं डिवाइस के साथ। फोर बटन्स मुझे मिले हैं फ्री, बॉक्स के अंदर ही थे। एंड ये आपकी जो शर्ट होती है ना, उसमें जाके ये शर्ट का जो हुक होता है, जहाँ पे बटन बटन लगता है, वहाँ पे जाके आप फिट कर लेना इस तरीके से, तो आपकी बटन की तरह ही लगेगा ये। और किसी को, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि ये बटन है कि कैमरा, तो आप इजीली सामने वाले की रिकॉर्डिंग कर सकते हो अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके कि इसमें वीडियो कैसे बनी है और फोटोज़ क्या, हाँ, कौन से फोल्डर में आई है। सो सबसे पहले आपको यूएसबी केबल का ये वाला पॉइंट इसमें इंसर्ट कर देना है प्रॉपरली। देन दोबारा से आपको अपने लैपटॉप में कि यूएसबी स्लॉट में आपको उसको इंसर्ट कर देना है यहाँ पर। ये आपके इस टाइम भी ये चार्ज हो रहा है, आपके यूएसबी पॉइंट से भी चार्ज हो जाता है ये लैपटॉप के। ऑटोमेटिकली मेरे लैपटॉप में डिटेक्ट कर लिया एंड थ्री फोल्डर्स बन गए यहाँ पे, फोटोज, वीडियोस एंड टाइम। पहले मैं वीडियो चला के दिखाता हूँ आपको। आपकी वीडियो बन रही है इस टाइम पर, वीडियो आपकी बनना स्टार्ट हो गई है। आप इसको वीडियो बना के आप देख भी सकते हो, स्टेप से वीडियो बन रही है अभी इस टाइम यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको दिखाया वीडियोस कैसे बनती है, कौन से फोल्डर में आती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फोटो कैसी है हमारी इस फोल्डर के अंदर। दो फोटो जो हमने क्लिक करी थी इस फोल्डर के अंदर है वो। ठीक है, फोटोज एंड वीडियोस ऐसे आप देख सकते हो। सो गाइज, आपने इसकी वीडियो भी का फंक्शन एंड फोटो का फंक्शन कैसे काम करता है इस डिवाइस के अंदर, दोनों चीज़ मैंने आपको शो करके दिखा दी। एंड ये प्रोडक्ट आपको, ये प्रोडक्ट मैंने अमेजन से परचेज किया था, एंड मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इस प्रोडक्ट का। इसकी कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज़ की थी, एंड मतलब 1000 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एंड आप मोर ओवर, आपको इसके अंदर 32 GB का मेमोरी मिल जाती है। आप इस 32 GB की मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हो। उसकी कॉस्ट भी अराउंड, मैंने 32 GB का मेमोरी कार्ड भी मैं परचेज करता हूँ, तो उसकी कॉस्ट अराउंड 600 to 700 रुपीज़ की कॉस्ट आती है। सो आपको एक 32 GB का एडवांटेज भी मिल रहा है इस प्रोडक्ट के साथ, प्लस ये स्पाई कैमरा भी है। अगर आप इसे नॉर्मल पेन ड्राइव की तरह भी यूज़ कर सकते हो, अपनी मूवीज़ वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। मैंने इसको ओपन भी किया था। सो ओपन करने के बाद मुझे पता चला इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड ही है प्रॉपर। आप वो वाला मेमोरी कार्ड, 32 GB का मेमोरी कार्ड है इसके अंदर, वो आप निकाल सकते हो और अपने पर्सनल यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको 1000 रुपीज़ में ये बहुत अच्छी डील मिल रही है, स्पाई कैमरा प्लस 32 GB का मेमोरी कार्ड। सो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और आप इसको जो मैंने लिंक शेयर किया है उससे परचेज कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट्स हैं सो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई भी कर दूंगा उसका। और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच।